जिम्बाब्वे के हेड कोच डेव ह्यूटन 3 मैचों की वनडे सीरीज से शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को सतर्क रहने की सलाह दे चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिम्बाब्वे सुपर फॉर्म में चल रही है और हाल ही में रेड आर्मी ने घर में बांग्लादेश की टीम को चारों खाने चित किया है। ऐसे में जिम्बाब्वे इस वनडे सीरीज में भारत को भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जिसको लेकर कोच ने लोकेश राहुल की टीम को सावधान रहने को बोल दिया है, क्योंकि ये टीम पहले जैसी नहीं है जो घुटने टेक देगी। जिम्बाब्वे के कोच के मुताबिक, हमें हल्के में मत लो, हम भारत को हरा सकते हैं। इस समय सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये भारत के खिलाफ एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि हम दुनिया की सबसे मजबूत टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मैं अब भी हमसे अच्छा प्रदर्शन करने और वास्तव में अच्छे कॉम्पिटिशन की उम्मीद करूँगा। जिम्बाब्वे के कोच ने हल्के में ना लेने के लिए कह तो दिया है, लेकिन अगर भारत और जिम्बाब्वे का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें या जिम्बाब्वे के घर में भारत का रिकॉर्ड देखें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से जिम्बाब्वे की टीम भारतीय टीम के आसपास भी नहीं भटकती। भारत और जिम्बाब्वे के बीच अगर हेड टू हेड देखें तो कुल 63 मुकाबले हुए, जिसमें 51 मुकाबले भारत ने जीते जबकि जिम्बाब्वे ने 10 मैच जीते, टाई मुकाबले 2 रहे। वही जिम्बाब्वे में घर की बात करें तो भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे में कुल 16 मुकाबले खेले, जिसमें 14 मैच जीते और 2 मुकाबले जिम्बाब्वे ने अपने नाम किए। इन आंकड़ों को देख आप भी समझ गए होंगे कि टीम इंडिया का पलड़ा यहाँ कितना भारी है और जिम्बाब्वे सीरीज से पहले डरा हुआ दिख रहा है। तभी तो टीम के कोच ने बयानबाजी शुरू कर दी है। जिम्बाब्वे के कोच के मुताबिक, भारत की यहाँ परीक्षा होगी, लेकिन पिछले 3 सीरीज में नतीजों को देखे तो टीम इंडिया हर टेस्ट में सिर्फ पास नहीं हुई बल्कि नंबर 1 रही है। साल 2013 में जिम्बाब्वे को टीम इंडिया ने 5-0 से हराया था, साल 2015 में 3-0 से ढेर किया था, वहीं साल 2016 में 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया था। भारतीय टीम जिम्बाब्वे में 3 वनडे मुकाबले खेलने वाली है, जिसके लिए लोकेश राहुल को कप्तान बनाया गया है और 16 मेंबर की टीम इस दौरे पर जाएगी। सीरीज के मुकाबले 18, 20 और 22 अगस्त को होने वाले हैं। अब देखना होगा कि राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम जीत का सिलसिला जारी रखती है या फिर उसे उलटफेर का सामना करना पड़ता है।